जैसे कोई एक्सीडेंटल है, जिनके पैर खराब हैं, और मैं उनकी बहुत देखभाल करती हूँ। आपकी खास बात क्या है? मैं भारती चौधरी, और मेरी खास बात है कि मैं जितने भी स्ट्रीट पे डॉग रहते हैं उनको रेस्क्यू करती हूँ। जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनको खाना नहीं मिलता है, वो फिर मेरे साथ मेरे पास रहते हैं, और ऐसे मेरे पास करके 85 के करीब डॉग हो गए। और एक डॉग से मैंने शुरू किया था। तो आप इनका खर्चा कैसे उठाती हैं? अपने ओन, मैं खुद से करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेती, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, बस ये मेरे साथ मेरे घर में। ऐसे भी नहीं है कि ये कहीं बाहर रहते हो, जिसमें 40 मेरे फार्म पे रहते हैं। अच्छा। और बाकी 35 समथिंग मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ कुछ मेरे कमरे में, कुछ घर में, मतलब बस मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने इसके लिए चुना है। बस मेरे को, बस मैंने अपनी लाइफ का जो मुझे लगता था ना, मेरे क्या मोटिव है, मैं किस लिए आई हूँ, तो मुझे लगता है भगवान ने शायद मुझे इसीलिए भेजा है। आपसे कैसे प्रेरणा ले लोग स्ट्रीट डॉग के लिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस जगह आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, उनको अगर आप दो रोटी भी दे देंगे ना, वो किसी से कुछ बोलने तो जाते नहीं है, और ना उनके उनके पास कोई साधन है। हम उनको मारते हैं पीटते, मैं मतलब प्रेरणा ये रहती है कि भाई मैंने भी किसी से लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बन गई, मैंने भी किसी से सीखा। मैंने एक बंदा था, उसके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, मैंने उसको देखा कि वो रोज खाना लेकर आता है। तो एक दिन मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, तो उसने कहा नहीं, मैं मेरी जो जमा पूंजी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने ये शुरू किया। और इंसान को ना बहुत ही, ऐसा नहीं है मैं मुसीबत नहीं झेलती, मैं अच्छा करती हूँ तो भी मैं सुनती हूँ, मुझे सुनना पड़ता है। लेकिन हम, हमारे बच्चों को भी तो बोला जाता है, उनको कुछ बोला जाए तो तुम्हारे बच्चे, हम क्या अपने बच्चों को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ा जाता। हम उनके लिए इतना कर सकते हैं, कॉलोनी में भी एक जगह बना दी जाए, स्पेस बना जाए, उनको खाना, सिर्फ वो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं, हमने प्रकृति से कुछ लिया है, तो हमें देना भी चाहिए। हमें ज्यादा नहीं, मतलब आपके मन में ना दया भाव रहनी चाहिए जानवरों के प्रति। मतलब वो ये इतने भोले होते हैं ना, ये प्यार की भाषा समझते हैं, और इंसान उनको ना बहुत ही हम्बल और बहुत मतलब दयालु होना चाहिए इनके प्रति। मैं बस इतना ही चाहूंगी, मैं नहीं चाह रही कि भैया आप आइए कुछ दीजिए, हम हैं संभालेंगे। अगर कोई आपसे बच्चे लेना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे अपने घर के लिए, तो आप दे सकती हैं? बिल्कुल, बहुत मेरे को तो अच्छा लगेगा। उनको अकेले में जो प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, वो उनको उनको भी अच्छा लगेगा और भला होएगा। बस मेरी एक ही शर्त रहेगी कि भले खाना मेरे से, उनका पूरे मेरे से ले लीजिए, पर रखें बहुत अच्छे से, बिल्कुल अपनेपन से। बस वो यही, मैं इतना ही चाहूंगी। यही मेरी एक खास बात है, और यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी गली के 5 डॉग को, मैंने कह रही घर में भी रखो, आप 5 को गोद भी ले लेंगे ना, तो भी उनका भला हो जाएगा। वो किसी को काटते नहीं है, किसी को मारते नहीं है। इंसान इंसान को काटता, पर जानवर नहीं काटते।